स्वागत वंदन। आज हम नवम कक्षाएं संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत शेमुषी प्रथम भाग उसमें जो पाठ दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो पाठ है नवमा और सिकता सेतु, ठीक है। सिकता सेतु का मतलब होता है वायु का पुल। ये तथा सरित सागरता नागर। चलिए इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इस पिक्चर में दिया हुआ है। अब ये क्या है सिकता सेतु, इसके विषय में हम आगे समझेंगे और पढ़ेंगे। थोड़ा सा पाठ का परिचय समझ लेते हैं। प्रस्तुतम नाट्यांश सोमदेव कथा सरित सागर इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्तः नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुष वेशधारी देवराजः इन्द्रः तत्र आगतवान्। तत्र आगत्य देवराजः सिकताभिः सेतुनिर्माणार्थं प्रत्यपे। एतत् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसनं वदति, किमर्थं भो बालुकाभिः जलबन्धनं निर्मासि। ततो देवराजः प्रतिवक्ति यद यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्ता विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलं हितवान्। चलिए थोड़ा सा इसका अनुवाद। जो प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव के द्वारा विरचित कथा सरित सागर इसके सप्तम अध्याय के ऊपर आधारित है। इस नाट्यांश में विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाला कोई तपोदत्त नामक कुमार चित्रित है। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र वहां आए। वहां आकर देवराज वायु से पुल बनाने का प्रयास करते हैं। यह देखकर तपोदत्त हंसते हुए बोलता, अरे क्यों वायु से बांध पुल बनाते हो? उसके बाद देवराज उत्तर देते हैं कि अध्ययन श्रवण पठन के बिना यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी बालू से क्या कर सकता हूँ, बालू का मतलब होता है रेत, का निर्माण कर सकता हूँ। देवराज का अभिप्राय जानकर तपोदत्त जो है विद्या प्राप्त करने का क्या इच्छुक होकर बिल्कुल चला गया। वो क्या देता है जवाब कि जब तुम अध्ययन श्रवण पठन के बिना यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं बालू से क्या कर सकते, उनका निर्माण कर सकता हूं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप यहां देखिए पाठ का थोड़ा सा अनुभव समझने का प्रयास करेंगे। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्त। अहमस्मि तपोदत्त बाल्ये पितृचरणै क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवानसि तस्मात् सर्वैः कुटुम्भिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो भवम्। मया कृतम् ईदृशी दुर्बुद्धिः आसीत् तदा।
धानैर लंकारैर भूतिशो अपि न शोभते नरो निर्माणि भोगी सभायां यदि वर्धते किंचित् वृष्य भर्तु किमेते दिवसे मार्गभ्रांता संध्यां यावत् यदि ब्रह्मोपेति तदपि वरं नासौ भ्रान्तो मन्यते अतो अहम् इदानीं तत् तपश्चर्या विद्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि। आप देखिए यहाँ पर अनुवाद दिया है, निर्माणी भोगी नरः सभायां यदि वा रहे परिधानै अलंकारै भूषितः अपि विद्या विना न शोभते। शब्दार्थ समझिए, सिक्ता रेत बालिका सेतु अटूटा कुल या जलबंधा तपस्या रतः यानी तपस्या में लीन तपा कुर्बन पितृ चरणै पूज पिताजी के द्वारा पूज्यै जनतै क्लेश मानव क्रोध व्याकुल किया हुआ जाता संताप्य माना आधितवान पढ़ी या अपठत तस्मात् इस कारण एतेन कारणे कुटुंबी कुटुंबियों के द्वारा परिवार जनई ज्ञाति जनई बंधु बांधवों के द्वारा बंधु बांधवई गलत अपमानित निंदिता ऊर्ध्वा ऊपर की ओर ऊपरी ने स्वस्य लंबी सांस लेकर दीर्घ श्वासं गृहीत्वा किं इदं मया यह मेरे द्वारा क्या दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला दुर्मति परिधानै वस्त्रों से वस्त्रै भूषिता सुशोभिता भोगी सा या सर्प विग्रह विचार करके विचारम कृत्वा मार्ग भ्रांता राह रास्ता भटका हुआ पथ भ्रष्ट उपैती राह रास्ता भटका हुआ इसको पथ भ्रष्ट भी कहते उपैती यानी आ जाता है प्राप्तनोति समीपम गच्छति वरम अच्छा उच्चतम तपश्चर्या तपस्या के द्वारा तपसा अवाप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए अर्थात प्राप्त इसके लिए है शब्द। अब थोड़ा आगे समझते इसका जो अनुवाद है वो समझेंगे। देखिए यहां दिया है अनुवाद, ध्यान से समझिए। इसके बाहर तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त क्या कहता, मैं तपोदत्त हूँ, बचपन में पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश क्रोध किए जाते हुए भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी, इस कारण सभी कुटुंबियों मित्रों बांधु बांधवों के द्वारा क्या हुआ, मैं अपमानित हुआ। ऊपर की ओर बड़ी लंबी सांस लेकर क्या बोला, हाय विधाता यह मेरे द्वारा क्या किया गया, उस समय कैसी दुष्ट बुद्धि वाला था यह भी नहीं सोचा। क्या नहीं सोचा, कि वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्या से रहित मनुष्य का घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार से मणि के बिना सांप सुशोभित नहीं होता। अब कुछ विचार करके, अच्छा इससे क्या हुआ, दिन में रास्ता भटका हुआ मनुष्य यदि शाम को घर आ जाता है तो भी अच्छा है, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए क्या होता हूँ, लग जाता हूँ, ऐसा वो बोलता है कि वस्त्रों आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्या से रहित जो मनुष्य है घर पर या सभा में इस प्रकार से सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार से मणि के बिना सांप सुशोभित नहीं।
तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए दर्शात्मक चरित्र आए कोतो वयम कल्लो लोत छलन ध्वनि महा मत्सयो मकरो वाहवे पश्यामि ताप पुरुषमेकं सिकताभि सेतु निर्माण प्रयासं पुर्वाणं दृष्ट्वा साहसं हन्ता नासत्य भावो जगति मूर्खाणां तीव्र प्रवाहायां नद्यां मूढोयं सिकताभि सेतु निर्मातु प्रत्रायकते साट्टहासं पार्श्वमुपेत्य भो महाशय किमिदं विधीयते आलमलं तप श्रमे पश्य रामो बवंध यम सेतुं शिलाभिर मकराल्ये विद्धद्ध बालुकाभिस्तं यासि त्वमति रामताम चिंत्या तावत् सिक्ताभि क्वाचित् सेतु कर्तुं युज्यते अंदर राम मकराले यम सेतु शिलाभि बवंध तम बालुकाभि विद्धत्वम अति रामताम यासि शब्दा जलोच्छलन ध्वनि पानी के उछलने की आवाज जलो जलोद्भवते शब्द जो ध्वनि उत्पन्न होती है जब जल ऊंचा उछलता है कल्लो लोच्छलन ध्वनि यानी तरंगों के उछलने की आवाज तरंगनेन छन्नस्य शब्द महा मत्स्य बड़ी मछली वृद्धाकारा मीना पूर्वाणं करते हुए पूर्वन्तं दृष्ट्वा देखकर दर्शनं कृत्वा साहसं हस्ते हुए हास युवकं नासत्य भाव अभाव नहीं है ना अस्ति अभाव जगति संसार में संसारे मूढ़ मूर्खा मूर्खा प्रायतते प्रयास कर रहा प्रयास कर रहा प्रयासम करोति साट्टहासम जोर से हस्त अट्टहास मूलतम पार्श्वम यानी पास समीपम उपेत जाकर गत्वा विधीयते कह रहे हो या करोति अलम यानी बस पर्याप्तम बबंध ने बंधा बांधा बनाया जो बांध बनाया निर्माण अकरो मकरा मकरालय समुद्र पर समुद्रे शिला शिलाओं पत्थरों के द्वारा प्रस्तरी यासी हो रहे हो भरसी अति राम ताम राम से भी बढ़कर रामम अति क्रांत तस्य भाव युज्यते उचित है या उचितम थोड़ा अनुवाद समझते हैं पानी के उछलने की आवाज क्या होती सुनाई देती है अरे यह तरंगों के उछलने की आवाज कहां से आ रही है कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ होगा जरा देखता हूं एक आदमी को बालू से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए खेद का विषय है संसार में मूर्खों का अभाव नहीं अत्यधिक तेज बहाव वाली नदी में यह मूर्ख बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा जोर से हंसकर पास जाकर अरे महोदय यह क्या कर रहे हो बस बस मेहनत मत करो देखो राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं पत्थरों के द्वारा बनाया था ऐसा ही पुल बालू से बनाते हुए तुम तो राम से भी बढ़कर हो रहे हो सोचो जरा कहीं बालू से पुल बनाना उचित है ऐसा उल्टी जो आप क्या हो रहे हो राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं पत्थरों के द्वारा बनाया था ऐसा ही पुल बालू से बना दो तुम तो राम से बढ़कर हो रहे हो कहीं बालू का पुल बनता है यह क्या उचित है इस प्रकार मैंने अभी आपको यहाँ सिकता सेतु के कुछ अनुवादों को पढ़ाया समझाया आप लोग लिखेंगे पढ़ेंगे धन्यवाद।